कोई भ्रम में न पड़े। लगातार देश के विभिन्न जगहों में कुछ संगठनों के द्वारा सीए और एनआरसी कानून का विरोध किया जा रहा है, वहीं आज मंडला में नागरिक मंच के द्वारा इस कानून के समर्थन में हजारों लोगों ने रैली निकाली और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागरिक मंच के लोग जहां हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, वहीं कुछ लोगों ने 500 मीटर से भी लंबा तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे के घोष लगाए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह रैली समाप्त की गई, जहां पर कई वक्ताओं ने अपने भाषण सरकार के द्वारा कुछ दिन पूर्व नागरिक अधिनियम को लेके सीए को लेके कुछ देश के उपद्री तत्व, कुछ घुसपैठी, कुछ लोगों के द्वारा, चिन्हित लोगों के द्वारा पूरे देश में विरोध दर्ज किया है और उस विरोध दर्ज के हम लोग खिलाफ हैं। हम सीए के पक्ष में हैं और सीए का समर्थन करते हैं। हम सरकार के संविधान के साथ हैं। मंडला नगर से, मंडला जिले से, समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमें सहमति प्रदान हुई है। अन्य व्यापारी संघ हो गया और अन्य व्यापारी संघ के माध्यम से हमको जो समर्थन मिला है, हमारी पूरी जनता, मंडला नगर की पूरी जनता सीए के समर्थन में आज पैदल मार्च करने वाली है। सीए का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसके लिए फिर वो यही है कि सीए के संबंध में जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है, जो उसके संबंध में जो नकारात्मक बातें विरोधियों ने, भारी ताकतों ने जो लोगों के मन में भर दी है, उसका समाधान करने का ही उद्देश्य है। सीए किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक का, किसी भी अपने देश के नागरिक का विरोध वाला कोई बिल नहीं है। ये नागरिकता देने के संबंध में बिल है, किसी की नागरिकता छीनने के संबंध में नहीं। किंतु विरोधी तत्वों ने ये एक भ्रांति मन में भेज रख दी है लोगों के कि जो एक्ट है इससे हिंदुस्तान में जो अभी लोग रह रहे हैं इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य आज यही है कि इसमें इस यात्रा के माध्यम से सबको इस वाली बात को सब तक संदेश पहुंचाना है कि यह किसी के विरोध में नहीं है, किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा, ये एक्ट जो है फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए ये यात्रा निकाली गई है। कौन कौन लोग शामिल हैं इस यात्रा में? इस यात्रा में सभी सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन और जो व्यापारी संघ हैं वो हैं, विभिन्न समाज के जो हैं, अलग अलग जो समाज होते हैं सभी, इस प्रकार सर्व समाज, सर्वजन, सभी लोग शामिल हैं। पूरे मंडला के सभी व्यक्ति लोग जिन्हें इस बात की जानकारी है कि ये एक राष्ट्रहित के लिए बहुत अच्छा एक्ट है, वो सभी लोग इसमें शामिल हैं और सभी लोग इस प्रयास में हैं कि इसके प्रति जो दुष्प्रचार किया गया है उसको हम मिटाने की कोशिश करें।